वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ स्वामी केशवानंद। तो बात करते हैं आज फिफ्थ टेंस सिंपल पास्ट टेंस की। फिफ्थ टेंस है प्रेजेंट के, हम चारों टेंसेज पढ़ चुके हैं। आज बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसका दूसरा नाम भी होता है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो ऑक्सिलरी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो डिड होती है, डिड। और इसकी मेन वर्ब इसमें पहली भी यूज होती है, इसमें दूसरी फॉर्म भी यूज होती है। आप ये याद रखें पहली बात तो, कि डिड के साथ हमेशा पहली लगेगी। जहां जहां डिड लगेगा वहां वहां डिड के संग पहली लगेगी, ये ध्यान रखें। एक बात तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर लें, जहां जहां डिड लगेगा वहां डिड के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। बाकी और जो इंस्ट्रक्शन है वो हम पढ़ते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है डिड इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इस टेंस के अफर्मेटिव में डिड यूज नहीं करेंगे हम, यानी सकारात्मक जो वाक्य होंगे उनमें अफर्मेटिव में डिड यूज नहीं होगा। यानी नो ऑक्सिलरी इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में कोई भी या किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। समझ में आई बात? हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं सकारात्मक वाक्यों में, अफर्मेटिव में। बात करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। देखो मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। डिड का किसमें यूज होगी? डिड नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? डिड का। और ध्यान रखना डिड अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। डिड अपने साथ क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो इसका सकारात्मक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सकारात्मक, अफर्मेटिव को सकारात्मक कहते हैं, ठीक है। क्या होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, डिड नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना। वर्ब का सेकंड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, फुल स्टॉप। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट डिड लग जाएगा नेगेटिव में, प्लस नॉट है, नेगेटिव है तो नॉट है, और डिड लगते ही वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव हो गया इसका, ठीक है। इंटरोगेटिव, आप जानते हो चार टेंसेज पढ़ चुके हो, किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दो आगे आगे। क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब? डिड रख दिया सबसे आगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाओगे तो शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेशन मार्क, ये हो गया काम। तो ये हमारे क्या हुए? स्ट्रक्चर्स हुए। अब बात कर लेते हैं हम कुछ हिंदी से इंग्लिश एग्जांपल्स की। देखिए अगर जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी समझने के लिए इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा, ये बहुत हिंदी बच्चों के लिए थोड़ी दिमाग में साइकोलॉजी रहती है कि थोड़ा सा हिंदी में भी समझाएं। तो हिंदी के अंत में था, थी, थे या फिर आ, ई, ए की ध्वनि आती है, ध्वनि सेंटेंस में आप बोलोगे जब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये पास्ट का है। जैसे मैं कहूं उसने मुझे कल एक उपहार दिया, जैसे मैं कहूं हमने सभी पाठों का दोहरान कर लिया, यानी रिवाइज कहते हैं जिसको, हमने सभी पाठों का दोहरान कर लिया। देखिए तो उसने की क्या होगी? ही
और दिया वर्ब का सेकंड फॉर्म है देखो दिया, तो क्या हो जाएगा गेव। सेकंड फॉर्म क्या हो गया गेव। ऑब्जेक्ट क्या है दो हैं इसमें, ये है और एक ये है। आप पढ़ चुके हैं उनके बारे में मी। दूसरा ऑब्जेक्ट है ए गिफ्ट, कल की हो जाएगी यस्टरडे। ही गेव मी ए गिफ्ट यस्टरडे। हमने की क्या हो जाएगी वी। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा दोहरान करने का, रिवाइज होता है पहला, दूसरा हो जाएगा रिवाइज्ड। वी रिवाइज्ड ऑल द लेसन्स। ठीक है, और देखिए जैसे आप कहो हमने लास्ट पिछले सप्ताह स्कूल कैंपस की सफाई की। तो क्या हो जाएगा वी। सफाई करने क्या होती है क्लीन द स्कूल कैंपस। लास्ट वीक ये टेंस आप पैराग्राफ लिखोगे जब बहुत काम आएगा, ध्यान रखना ठीक है ना। पैराग्राफ लिखोगे तो बहुत काम आएगा। जैसे और देखिए हमने हमने छोड़ो बहुत बार लिख दिया मैंने मेरा जन्मदिन मनाया। क्या हो जाएगा आई मनाने की क्या होती है सेलिब्रेट। सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आई, देखो इसका नेगेटिव देखो क्या हो जाएगा डिड नॉट। देखो डिड नॉट इसकी फर्स्ट कर दो अब सेलिब्रेट माय बर्थडे। आई डिड नॉट सेलिब्रेट माय बर्थडे। इंटरोगेटिव बनाएंगे क्या मैंने मेरा जन्मदिन मनाया, तो क्या लगा दोगे आप, केवल समझना है आपको, इनसे समझने में आपको थोड़ी मदद मिलेगी। डिड आई सेलिब्रेट माय बर्थडे। ठीक है, तो ये बात हो गई स्ट्रक्चर्स की और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की। अब जो मेन बात है एडवर्बियल्स, उनकी बात करते हैं हम। जो एडवर्बियल्स हैं उनकी बात करते हैं कि इस टेंस की एडवर्बियल्स क्या क्या होती है, इस टेंस में कौन कौन सी एडवर्बियल्स आती है उनकी बात करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और एक दो एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए एडवर्बियल्स कौन कौन सी हैं, देखिए सबसे मेन है यस्टरडे। मैं आपको हिंट के लिए बता भी चुका हूं पहले कि ऐसी एडवर्बियल्स जो फिनिश्ड हो गई हो, फिनिश्ड का मतलब जो दोबारा नहीं आ सकती हो, उन्हें हम फिनिश्ड एडवर्बियल्स कहते हैं। तो ऐसी एडवर्बियल्स ही इसी टेंस में होती हैं सिंपल पास्ट में। यस्टरडे है, वंस है वंस, ठीक है, एक है लास्ट डे वीक मंथ ईयर, ठीक है, और जस्ट नाउ। ये ध्यान रखना जस्ट नाउ, दोनों एक संग है जस्ट नाउ, ये भी इसी टेंस की होती है। जस्ट नाउ भी इसी टेंस की होती है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। और देखिए अगो, ये बहुत मेन है अगो, अगो या फिर
कोई पास्ट की इवेंट हो, पास्ट की इवेंट जैसे इन 2006 है ना, या पास्ट इवेंट्स, ये सब एडवर्बियल्स हैं इस टेंस की। कोई भी पास्ट की इवेंट जो पास्ट में हुई हो, यस्टरडे, वंस, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, अगो, है ना, इन 2006, ये सारी की सारी जो एडवर्बियल्स हैं, जस्ट नाउ, ये सब की सब किसकी हैं, सिंपल पास्ट टेंस की हैं। इनको आप याद रखें, ये बड़ी मेन हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, शी रिटर्न फ्रॉम आगरा ऑन लास्ट मंडे। अब ये एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए आप पढ़ करके फाइंड आउट करोगे, इसमें लास्ट मंडे है जो एडवर्बियल है, लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को, इसको पढ़ करके पता चल गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है, अफर्मेटिव में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्या होगा, डिड लगाना है और फिर डिड के साथ वी वन लगाना है, ध्यान रखना। तो ये तो अफर्मेटिव है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। बिल्कुल आसान है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द पुलिस कैच द थीफ यस्टरडे। इसमें एडवर्बियल क्या मिला, यस्टरडे। क्या मिला एडवर्बियल, यस्टरडे। यस्टरडे सिंपल पास्ट का होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए, बच्चे गलती यही तो करते हैं, उनको वर्ब का सेकंड फॉर्म ही नहीं पता होता। और वर्ब का सेकंड फॉर्म का नाम ही पास्ट फॉर्म है, कैच का सेकंड फॉर्म होता है कॉट, सी ए यू जी एच टी, सी ए होता है दाना, सी ओ नहीं होता, बच्चे सी ओ लिख देते हैं, सी ए यू जी एच टी, कॉट, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल, ही रिंग मी अप जस्ट नाउ। रिंग का मतलब होता है, रिंग अप का मतलब फोन करना, कॉल करना। तो इसमें एडवर्बियल्स है जो है जस्ट नाउ, सिंपल पास्ट की है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। रिंग रैंग रंग, रैंग होगा रैंग, ठीक। और देखते हैं, कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। इस एग्जांपल पर गौर कीजिए। अब आप कहोगे सर इसमें एडवर्बियल ही नहीं है कोई, ध्यान रखें, ऐसा कोई पास्ट का इवेंट जो भूतकाल में हुआ है आपको पता है, बिना टाइम दिए हुए, सेंटेंस में टाइम नहीं दे रखा लेकिन वो विदाउट टाइम ही क्लियर है, यानी उसमें टाइम का जो रेफरेंस है, जो टाइम का रेफरेंस है वो बिना टाइम दिए हुए क्लियर है, ये बात पता है कि पास्ट में हुई है ना। जैसे बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव डाली, ये पास्ट में हुआ है काम। इंडिया ने 1947 में फ्रीडम गेन की, प्राप्त की, आज़ादी प्राप्त की, ये पास्ट में हुआ है, सबको पता है। पानीपत का जो बैटल है वो पास्ट में लड़ा गया है, आप सबको पता है कि ये काम कब हुए हैं, पास्ट में हुए हैं। टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, ये बिना टाइम के ही क्लियर हो रहे हैं कि ये सब पास्ट में हुए हैं, बिना टाइम के ही क्लियर हो रहे हैं। आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो 500 और 1000 है उसकी करेंसी को बैंड कर दिया, ये सब पास्ट के काम हैं। तो बिना टाइम दिए हुए ही, बिना एडवर्बियल दिए हुए ही क्लियर हो जाता है, तो वो भी सिंपल पास्ट होता है, ये ध्यान रखने की बात है, इसमें टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड फॉर्म आएगा डिस्कवर्ड, ठीक। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, इसमें आया वंस, है ना, वंस एक बार की बात है, पास्ट की बात हो गई। अब देखिए यहां गौर कीजिए, बी है बी रूप। अब देखिए मैंने आपको एक दिन और बताया था, बी का पहला फॉर्म चलता है इज एम आर, पहला फॉर्म इज एम आर, ध्यान रखना। इसका दूसरा फॉर्म चलता है वॉज वर, है ना, ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ, ऐसे यहां पर है। और इसका तीसरा फॉर्म होता है बीन। तो आपको दूसरा भरना है, दूसरा वॉज वर में से भरना है।
अब वॉज लगाओगे वर लगाओगे इस बात का फैसला ये करेगा, देखो एक बिग बैनियन ट्री है, एक है ए, तो वॉज लगेगा देयर वॉज, तो बी का सेकंड फॉर्म वॉज और वर दोनों होता है। आपने ए बिग बैनियन ट्री के अकॉर्डिंग वॉज लगाया, देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगता है धानक लेना, ये जो वॉज वर है ये देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगा है, इसके अकॉर्डिंग लगा है, ये असली इसका सब्जेक्ट, असली सब्जेक्ट ये है, रियल सब्जेक्ट। तो देयर वॉज ए बिग बैनियन ट्री, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, रमेश सेल हिज हाउस 10 days ago, इसमें जो एडवर्बियल है वो क्या है, अगो, क्या है इसकी एडवर्बियल, अगो, सिंपल पास्ट की है, क्या जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेल का सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड, ठीक है। अब आपने इस तरह से देखा, इसका यूजेस हैं एक दो, यूजेस की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, पास्ट की इवेंट्स, द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, वो घटनाएं जो पास्ट में हुई उनके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस टेंस के यूजेस की आपको जरूरत नहीं है। तो अगली वीडियो में हम अगले टेंस के साथ आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।